नीतिवचन अध्याय 16, नीतिवचन अध्याय 16। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवीवाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होते हैं, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वे प्रेम रखते हैं। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। घमंडियों के संग लूटपाट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुरवाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूर्ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और वचन में विद्या रहती है। मन भावने से वचन मधु भरे छत्ते की नाई प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उभारती रहती है। अधर्म मनुष्य बुराई की युक्तियां निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट कर देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है, और ओठ दबाने वाला बुराई करता है। पक्के बाल शोभायमान मुकुट रखते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्रसन्न होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकालना यहोवा की ओर से होता है।